गुड़िया, हाँ? किसी को भी किस्मत एक ही बार मौका देती है, हाँ? और हमें तो इन्होंने फोन करके बुलाया है। हाँ? अब अगर तू बाप्पी से शादी कर लेती, हाँ? है तो 1000 एकड़ की नारियल की खेती, हाँ? और 1000 एकड़ का आम का बाग सब हमारा हो जाएगा। हम बहुत आइए। सफर कैसा था आपका? सफर तो ठीक ही था, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे। अगर ठीक नहीं होता तो तुम लोग ही हमें देखने के लिए आते ना। हाँ ठीक है, अंदर चलिए। अरे जब यहाँ तक पहुँच गए तो अंदर नहीं जाएंगे क्या? ये स्वागत कर रहा है कि बकवास कर रहा है? ये दाढ़ी रखना और पागल जैसी बातें करना नहीं भूला। भाई साहब, भाई साहब, आपसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है। नमस्ते। क्यों वरदराज, अच्छे हो ना? मैं तो एकदम अच्छा हूँ। आपने जैसे ही मैरिज की बात की, मैं सारा लगेज साथ लेके आ गया। अरे वाह भद्रराज, तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। ये लड़कियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं कि पता नहीं चलता। तू भी तो ताड़ के पेड़ की तरह इतना लंबा हो गया है, कुछ फायदा हुआ क्या? बड़े लोग हैं, पैर छुओ। जी खुश रहो बेटी। भाई साहब, मेरी बेटी ऐसी ही है, बड़े लोग दिखते हैं तो उन्हें प्रणाम करती है और लड़के दिखते हैं तो शर्मा जाती है। भाई साहब, दामाद जी कहाँ हैं? अंदर ही है, जाकर मिल लो, मैं बस थोड़ी देर में आया। ठीक है ठीक है, चलो। दामाद जी। ए भाई, दामाद जी के साथ तो मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो फिर ये किसके साथ घूम रहे हैं? कौन है ये? शहर से आई है वो, तुम्हारी बेटी से कंपटीशन कर रहे हैं। गुड़िया, इसे पटाना शुरू कर दे, अपने प्यार के जाल में फंसा ले इसे, कहीं मिस ना हो। बाय दामाद जी। अरे अंकल जी, आपको बाप्पी। नाइस बॉडी, क्या कर रही हो? छोड़ो दामाद जी, आपकी शादी हमारी बेटी के साथ फिक्स हो गई है। शादी? आप हाँ कहो या ना कहो, आपके पिताजी ने सब फिक्स कर दिया है। तो आज से दूसरी लड़की के साथ घूमना बंद और मेरी लड़की के साथ घूमना शुरू। इसलिए आज के बाद तुम्हें जो करना है वो इसके साथ करो। शादी से पहले सब कुछ हो जाएगा तो शादी के बाद क्या करेगी बोलो? ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलने वालों से मुझे एलर्जी है। अरे सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। सेफ्टी के लिए बोल रहे हो? मुझे सेफ्टी से भी एलर्जी है। मतलब तुम्हारी भलाई के लिए? मुझे भलाई से भी एलर्जी है। दामाद जी, अरे दामाद जी कहाँ गए? दामाद जी कब का चला गया? गुड़िया, दामाद जी मरकरी के जैसे हैं, तू उनके साथ गौर की तरह पूरी तरह से चिपक जा। आज के जमाने में लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, इतने फास्ट होते हैं कि कहीं भी गुल खिला सकते हैं। ओ बापी, क्या कर रही हो? शादी से पहले तुम्हें एक रोमांटिक टीजर दिखाने आई हूँ बापी। रोमांटिक टीजर? वो क्या? यस बापी। ए छोड़ो, छोड़ो ना। 36, 24, 36। बापी, ये सब करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? हम दोनों की तो शादी होने वाली है ना, कम ऑन बापी। छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो। ओ लगे रहो, लगे रहो। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, लगे रहो। अरे बुढ़िया, तेरी समझ में नहीं आता क्या? तुम भी ना, दोनों पागल हो गए। अरे जूस तो पी कर जाओ। ऐसा क्यों है दादी, बापी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं वो है। पूरा अपने दादा पर गया है, उसके दादाजी भी पिकअप नहीं ले पाते थे। यू डोंट वरी, चावी घुमाते रहो, जाओ जाओ जाओ। हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो इसी गांव में है। दामाजी, 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 क्या हो गया अंकल? सीता की तरह पावन और पवित्र जो है वो भी खो गई है दामाजी। खो गई? कहाँ खो गई? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन नहीं मिल रही जी? अरे मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही है। घर में हर जगह ढूंढा क्या? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली मुझे। मेरी गुड़िया जो है जादू की पुड़िया, जिसके पीछे है पूरी दुनिया। हॉस्पिटल के पास जैसे मेडिकल स्टोर होता है ना, वो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रहती थी। अब बताओ ना कहाँ गई वो? अब मुझे क्या पता, वो इतनी छोटी सी बच्ची है कि मुंह खोल के कुछ बोल भी नहीं सकती। सही कहा, अगर मुंह खोलेगी तो अनसेंसर डायलॉग ही निकलेगा। अरे छोटी, गांव में गुम गई होगी, उसे वापस ला। ठीक है माँ। अरे वाह, इधर देखो, तालाब। हट जाओ, हटो। अरे बाबूजी, देखने दीजिए हमें भी। यहाँ तो इसने एग्जीबिशन लगा रखा है। थैंक्स भाई। गुड़िया, ए ए गुड़िया, सब देख रहे हैं, बाहर निकलो। बापी, ये निकलने क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। आइए आइए, अंदर आइए, आ जाइए। आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। आइए बैठिए, बैठिए। देखो बेटा, इस गांव में पुलिस की नहीं, दूरा बाबू का न्याय चलता है, और तुम्हें उसी घर की लड़की चाहिए। बहुत मुश्किल है,
मेरी बात सुनो, वापस चले जाओ। सर, आपको जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, पर वो लड़की हमें चाहिए। देखो बेटा, मैं तुम्हें बातों से समझा रहा हूँ, अगर किसी को पता चलेगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से चले जाओ तभी जिंदा रहोगे। चलो चलो निकलो। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ लेके आता हूँ। लो पियो बेटा। आपने ऐसा क्यों किया भाई? हम इस गांव में हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हमें समझाने चला था। हेलो, ए सुनो सुनो, ओए, हेलो सुनो। तो हमेशा इतने एनर्जेटिक रहते हो, आज स्कूल जाने वाले बच्चे जैसे डल क्यों लग रहे हो? उसने क्या किया देखा ना? मैंने क्या, पूरे गांव ने देखा। तुम्हारी होने वाली वाइफ है ना वो? ऐसी बुरी बातें नहीं करते, उससे शादी हुई तो बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। वो तो एक टाइम बॉम्ब है, घर वाले उसके लिए टाइम देख रहे हैं लेकिन मैं उसमें बॉम्ब देख रहा हूँ। घर वालों को समझाया लेकिन समझते ही नहीं है। तो आगे क्या करना चाहते हो? सबसे पहले तो ये शादी रुकवानी है। इस मामले में तो मैंने पीएचडी कर रखी है, ऐसे क्रेजी प्रॉब्लम्स को तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसा क्या? कोई आइडिया है तो बताओ ना। आइडिया ना? वेट। ओके। आइडिया? आ गया क्या? आइडिया, उस लड़की का बॉयफ्रेंड है ऐसा कह दो। अरे वाह, घर के लिए रूफ जितना जरूरी होता है ना, उतना ही ऐसी बातों के लिए प्रूफ जरूरी होता है। जाने दो, तो फिर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो ऐसा कह दो, फिर तो ऑटोमेटिक ही शादी रुक जाएगी। ब्रिलियंट आइडिया, थैंक यू। लेकिन मुझे इमीडिएटली ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी? मिल गई। कौन है वो? तुम हो। मैंने अब तक तुम्हारे लिए इतना रिस्क उठाया, तुम एक दिन मेरे लिए लवर की एक्टिंग नहीं कर सकती? सिर्फ एक्टिंग ना? हाँ हाँ एक्टिंग। श्योर? हाँ जस्ट एक्टिंग प्लीज। का भी नाम एक्टिंग करनी है तो ठीक है। ओके। हाँ ओके ओके। क्या दादी, इतना अरेंजमेंट किसके लिए? अरे अरेंजमेंट नहीं, तेरा और गुड़िया का एंगेजमेंट। एंगेजमेंट है? हाँ। बापी। मेरे साथ एक मिनट बाहर चलोगे? हाँ ओके ओके ओके। प्लीज पापी, एक मिनट का। मैं अभी आता हूँ। बापी बापी भागो मत। एक मिनट लगेगा। जस्ट वन सेकंड। क्या हुआ? ये यहाँ खेल रही है। काव्या काव्या काव्या, एक मिनट इधर आओ। क्या हुआ? एक मिनट जरा आओ ना, एक्टिंग बोला था ना, एक्टिंग। देखो जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना। ओके ओके ओके। वो आ रही है, अभी उसे दिखाएंगे। वो देख रही है क्या? हाँ वो देख रही है। ये क्या कर रहे हो? बोला था ना एक्टिंग करेंगे, भूल गई क्या? ओके ओके। वो चली गई क्या? कहीं नहीं, वहीं रुकी है। आई लव यू काव्या, आई रियली लव यू। पापा ये... अरे बाप रे, खुलेआम प्यार ये कर रहे हैं इकरार, ये कैसा है हम पे वार? गुड़िया, दामाद जी हमारे लायक नहीं है, चल चल निकल यहाँ से। पापा नहीं होगी ये शादी, ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। वो चली गई क्या? चली।